हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो भाई आज हम बहुत कुछ अपग्रेड करने वाले हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो पिछली वीडियो में जैसे आपको पता है कि हमने मतलब अपग्रेड पे लगाए थे बैरक, दोनों बैरक ये हमारे अपग्रेड हो चुके हैं और हमारी रिसर्च भी खाली पड़ी है और बिल्डर हॉल में भी बहुत सारे अपग्रेड करने हैं अपने को। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो मेन विलेज है उसमें अब हम अपग्रेड पे लगाते हैं किसको, रिसर्च में सबसे पहले हम अपग्रेड करते हैं ड्रैगन को अपग्रेड करते हैं और ड्रैगन के बाद सो भाई अभी हम अपग्रेड पे लगाने वाले हैं बैरक। इस वीडियो में हम बैरक अपग्रेड पे लगाए क्योंकि भाई अपने को ना जल्द से जल्द एक अच्छा सा ट्रूप अनलॉक करना है। जैसे कि अब हम बैरक लेवल 9 का है, लेवल 10 पे हमारा पैक का ओपन हो जाएगा जो कि अपना ये टाउन रूलेट का लास्ट अपग्रेड होगा। और यहाँ पर अपना जो डार्क बैरक है उसमें भी अपन लेवल 4 पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे गोलम ओपन हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रूप है, मतलब ग्राउंड आर्मी में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है ये, तो इसको भी फटाफट ओपन कर देते हैं। तो अभी अपने दोनों बिल्डर जो है बिजी हो चुके हैं और थर्ड बिल्डर जो है हमें काफी सोच समझ के लगाना होगा क्योंकि अपने को अब आर्मी पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि अपने को लूट चाहिए, अब अच्छी खासी लूट चाहिए। तो उससे पहले लूट का जब नाम आ ही गया है तो हम फटाफट एक अटैक कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई, एक अच्छी सी लूट लेके आते हैं। ओम फो, अरे भाई पहला ही अटैक कितना अच्छा मिल गया है। ये नॉर्मल सा बेस है भाई, ये 3 स्टार रहना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको सीसी को चेक कर लेता हूँ, उसके सीसी में कुछ है क्या। यस 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 यस, इसके सीसी में ड्रैगन है। ओके, ड्रैगन को साइड में बुलाते हैं। आजा भाई ड्रैगन, इधर साइड में आ जा तू, 3 क्लास लेते हैं हम साइड में बुला के। तो ड्रैगन तो इजीली ले लेगा यार, इसको इस बेस को तो इजीली 3 स्टार कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइजन स्पेल, ओके विजार्ड, ओके विजार्ड इजीली ले जाएगा इसको। ओके मिनियन इधर से 5 6 6 7 ओवर राइडर, इधर से 7 8 इधर से, बाकी के इधर से 1 हिल स्पेल यहाँ पे, 1 हिल स्पेल यहाँ पे, 1 यहाँ पे, इधर से सारे होग राइडर बचे हुए, यहाँ से किंग, ओके यहाँ पे एक फ्रीज स्पेल किंग के ऊपर ताकि ये डिस्टर्ब ना करे इनको। ओके काफ़ी अच्छा अटैक जा रहा है यार, मेरे हिसाब से इजी 3 स्टार हो जाएगा ये। ये अटैक तो भाई इजी 3 स्टार हो जाएगा। अरे भाई 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 भाई, हाँ हाँ हो जाएगा यार, हो जाएगा यार। ये किंग प्रॉब्लम करता है, इस किंग का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, हर एक अटैक में सेम ऐसे ही होता है। देखो ये कितने सारे होग राइडर मेरे मार दिए क्योंकि होग राइडर का जो डिफेंस होता है ना, मतलब वो डायरेक्ट डिफेंस पे अटैक करता है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ अटैक डिफेंस होता है तो डायरेक्ट डिफेंस पे अटैक करता है। अब देखो भाई किंग की बैंड बजा दी इन्होंने 1 मिनट में, तो ये बेस तो अपना ईजी 3 स्टार आ चुका है। होग राइडर भी अपने काफ़ी होग राइडर बचे हुए हैं भाई अपने, यहाँ पर तो मैं एक भी होग राइडर नहीं मरा भाई, होग राइडर तो 1 2 और यहाँ पर कुछ होग राइडर मरे अपने, होग राइडर भी बहुत सारे बचे हुए भाई। ओके तो ये बेस हो गया अपना 3 स्टार। तो इस पे आ गए भाई अपने पास 5 लाख एलिक्सर और 326 गोल्ड, 3,26,000, काफ़ी अच्छा अटैक था। तो यहाँ से आर्मी कैंप आर्मी लगा लेते हैं ट्रेनिंग पे। ओके और अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया हम थर्ड बिल्डर किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे हम थर्ड बिल्डर लगाएंगे भाई अपने किंग के ऊपर। भाई अपने किंग भाई को भी तो करना है ना लेवल फोर का, जल्दी जल्दी इसको लेवल 5 का करना है अपने को। ओके ओके तो फाइनली अपना किंग हो चुका है लेवल 4 के लिए अपग्रेड। ओके ये हो गया भाई, अभी क्या करना है अपने को फटाफट यार, एक अटैक और, एक अच्छा सा अटैक और कर लेते हैं फिर हम बिल्डर होल की साइड चले गए, वहाँ पर देखेंगे अपने को क्या क्या प्रोग्रेस करनी है। और यहाँ पे हमने ड्रैगन लगा ही दिया था तो ये भी इजीली हो जाएगा और हम फटाफट एक अटैक और कर लेते हैं, अच्छा सा अटैक जिसपे काफ़ी अच्छी लूट होनी चाहिए मतलब। ओके क्या बोलते हो गाइस, ये फुल मैक्स बेस है, करना चाहिए, चलो करते हैं इस पर। इसके सीसी में कुछ नहीं है, यहाँ से 1 2 3 4 5 बहुत सारे हो गए इधर से, बहुत सारे होग इधर से, यहाँ पे 1 हिल स्पेल, यहाँ पे 1 हिल स्पेल, ओके और यहाँ पे सेंटर में 1 हिल स्पेल, ओके और किंग पे फ्रीज स्पेल, ओके वरना ये डिस्टर्ब करता रहेगा, 1 किंग पे, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइजन स्पेल, ओके यहाँ पे सारे विजर्ड, इधर से कुछ विजर्ड, यहाँ पे 1 विजर्ड, यहाँ पे आर्चर,
भाई ये फुल मैक्स, लगभग फुल मैक्स बेस था टाउन हॉल 8 का, और जिसको मेरे हिसाब से हमने इजीली 3 स्टार कर दिया है। अब भाई तुम समझ सकते हो इस आर्मी की क्या पावर है, मतलब तुम भी यूज़ कर सकते हो सेम आर्मी को। और यहाँ से ये किंग भी चला जाएगा भाई, इजीली चला जाएगा, मिनियन ले जाएगा इस किंग को। तो उधर से अपने होग राइडर आ रहे हैं, देखो किंग की कैसी बैंड बजाएंगे। और ये 1 2 3 किंग गया भाई, बेस में बचा ही क्या भाई, कितने सारे ट्रूप्स हमारे बच गए भाई। ये काफ़ी धासू आर्मी है, मतलब ग्राउंड आर्मी टाउन हॉल 8 के हिसाब से। तो ये बेस भी भाई हम इजीली 3 स्टार कर चुके हैं, और इस पर लूट भी अच्छी खासी थी। मतलब हमने लूट के लिए तो अटैक किया ही नहीं है, हमने अटैक किया जो वो मेनली मतलब आर्मी चेक करने के लिए किया था, तो वो हो गया भाई अपने 3 स्टार। और यार एक अच्छी बात हो रही है, हमारे होग राइडर ना वो टाउन हॉल 8 के हिसाब से लेवल 4 के अपग्रेड हो चुके हैं। तो यार ये मुझे, मैंने बहुत फास्ट अपग्रेडिंग की है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने जल्दी लेवल 4 के हो चुके हैं। तो ये अटैक भी फाइनली हम 3 स्टार कर दिया। ओके, लूट बोनस भी मिल चुका है हमको, और यहाँ से अपने को एक रिसर्च पॉइजन। ओके, अभी यहाँ का तो भाई खेल ख़त्म करते हैं, ये हमने तो यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है। ओके, आर्मी ट्रेन पे डाल देते हैं, यहाँ का तो भाई अब सब कुछ कर चुके हैं। अभी चलते हैं हम अपना बिल्डर होल में, यहाँ की प्रोग्रेस देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे भी अच्छी खासी अपग्रेडेशन हो चुकी है हमारी बिल्डर होल लेवल 4 का। ओके, हम क्लॉक टावर को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फटाफट बहुत सारे अटैक करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाइंट को लेवल 5 के लिए लगा देता हूँ। ओके, और अटैक के लिए चलते हैं भाई, इसमें भी, इसमें हमें 3 स्टार अटैक निकालने होंगे भाई बहुत सारे, तभी हम कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मिनियन लेने पड़ेंगे। मिनियन हमारे पास है क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा ट्रूप्स नहीं है जो हवा वालों को मार सके, ऐसा मतलब डिफेंस नहीं है, सॉरी ट्रूप्स बोलता हूँ, बिल्डिंग नहीं है जो हवा वाली आर्मी को मार सके। हो सकता है तो यहाँ पे हिडन टेसल हो सकते हैं, बाकी उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक मिनियन यहाँ पे हिडन टेसला को ट्रिगर करवाते हैं, देखिए कहाँ से निकलता है वो, अभी तक तो नहीं निकला भाई, तब तक के लिए अपने बचा के रखते हैं 2 मिनियन, ताकि फिर हिडन टेसला एकदम से निकले ना तो सरप्राइज ना कर दे। मुझे पता था भाई तुम कितना दिमाग लगा सकते हो, आई नो यू प्रो। ओके यार ये निकल गया भाई हिडन टेसला, यार यही डरता मुझे। चलो कोई नहीं, इजी ले जाएगा अपना मिनियन इसको। हाँ बोला था ना भाई मिनियन इजी ले जाएगा इसको, वरना यार ये बहुत परेशान करता भाई, ये मतलब अटैक हार भी सकते थे हम इस हिडन टेसला की वजह से। तो ये हो गया अपना अटैक इजी 3 स्टार, चारों के चारों मिनियन बचे हुए भाई अपने अभी। तो ये अटैक इजी 3 स्टार हो गया, तो यहाँ से हमें 20,000 गोल्ड मिलेगा। ओके, इससे तो अपना काम नहीं चलेगा भाई, एक अटैक और करते हैं फिर हमें उसके बाद बोनस मिल जाएगा, तो वहाँ से अच्छा खासा हमें मतलब रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने चारों के चारों ये, ओके बारबेरियन छोड़ते हैं, हिडन टेस्ला हो गया ट्रिगर, इस पर मिनियन। ओ भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, ये तो गलत हो गया यार, ये तो गलत हो गया भाई लोग, ये मैंने नोटिस नहीं किया था यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारे प्लान में नहीं था। ओके, ये भी 3 स्टार आ गया भाई, ये हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इजीली 3 स्टार कर दिया इसको। तो ये भी अटैक भाई 3 स्टार हो गया। अब देखते हैं यार हमें बोनस में कितनी लूट मिलती है, उसी से डिपेंड होगा मतलब अपना क्लॉक टावर ओपन हो पाएगा या नहीं। तो भाई आप लोग सोच रहे होगे कि यार अनस भाई मतलब वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं 2 दिन से, मतलब कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, एक एक दिन का गैप लेके आ रही है। भाई मेरी ना मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, मैं फिर भी मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई हो जाएगा अपन लोग रेगुलर, मतलब 1-2 दिन बाद रेगुलर वीडियो आ जाएगी, एग्जैक्ट 4 बजे, 4 से 5 के बीच में। तो तब तक के लिए सॉरी यार, मतलब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये अटैक भी भाई अपना 3 स्टार हो चुका है। चलो भाई अब देखते हैं अपने को कितना बोनस मिलता है। 20,000 यहाँ से मिल गए अपना। ओके, 70,000, अरे भाई 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 भाई, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा भाई नहीं होगा। क्या करना चाहिए अपन लोग को क्या करना चाहिए गाइस, एक अटैक और कर लेते हैं फटाफट। हाँ वहाँ से 20,000 के आसपास वहाँ से मिल जाएगा। ओके, हिडन टेस्ला को ट्रिगर करवाते, सबसे पहले तो यहाँ पे मिनियन छोड़ देते हैं इसके ऊपर 3। ओके, हिडन टेस्ला को ट्रिगर करवाते, कहाँ से निकलता है। ओके, यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे 3 मिनियन छोड़ देते हैं, हिडन टेस्ला, मुझे पता था यही से निकलेगा, मुझे पता था हिडन टेस्ला यही से निकलेगा।
ओके देखते हैं भाई क्या कर पाता है एडन टेस्ला। मिनियन और एडन टेस्ला के बीच की फाइट, और भाई हो गया भाई, मिनियन जीत गए यार। यार मैं भाई सोच भी नहीं सकता था कि ये अटैक अपना 3 स्टार हो पाएगा, जो कि काफ़ी आसानी से हो गया है 3 स्टार। तो ये भी भाई हमने कर दिया, ये भी इजीली कर दिया 3 स्टार। यार मैं ना मतलब नॉर्मल बेसिस पे बस अपन को हिडन टेस्ला ना वो ट्रिगर करता होगा, फिर तो 3 स्टार इजीली मार लेगा, क्योंकि अपने पास बर्बेरियन है, वो आर्चर टावर को ले जाएंगे, हिडन टेस्ला को मिनियन ले जाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं है यार बेस में, बाकी तो ख़त्म बेस था एकदम। मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा बेस था, लेकिन वैसे ख़त्म था। तो भाई ये भी अपना आ गया 3 स्टार 150। ओके रिबिल्ड करे गाइज, और फाइनली अपना रिबिल्ड हो जाएगा अभी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।